आपने बुंदेलखंड की रक्षा करके हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर भी थोड़ा अधिक समय लग गया बहू, अगर हम आपके साथ होते तो आप युद्ध जल्दी जीत जाते। आपसे एक आवश्यक बात करनी है। बातें तो होती रहेंगी पेशवा साहेब, पहले आप भोजन कर लीजिए। या थामा पेशवर भाई, मैं बुंदेलखंड का युद्ध तो जीत गया, किंतु आपका विश्वास हार गया हूं। मंजे क्या किया आपने? बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी के साथ खंड विवाह। देवा देवा देवा, आप पेशवा तो बन गए पर आपका बचपना नहीं क्या? ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? देखिए ना आई साहेब। मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं मैं। हालात ही ऐसे थे कि मुझे विवाह करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ओ भाई साहब, सेना के साथ बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे हम, उसके पश्चात वहां मैंने आपका दिल तोड़ा है, दोषी हूं मैं पेशवा भाई। ये विवाह मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी, क्षमा कर दीजिए मुझे। वाह, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप अपने पापा के ही पुत्र हैं। आज हमें समझ में आ रहा है आपने क्यों पापा को क्षमा कर दिया, क्योंकि आपके लिए दूसरा संबंध रखना कोई पाप है ही नहीं। भाई अपने सौतन की आरती उतारेंगी, आप लाई नहीं क्या उसे? कहाँ है? बुलाइए ना पेशवा साहिब। यहां आने से इनकार कर दिया उन्होंने। उन्होंने इनकार कर दिया? मंझे आप उसको यहाँ पे लेके आने वाले थे, आप तो अपने पिता से भी दो कदम आगे निकले पेशवा साहेब। कम से कम उनकी आंखों में इतनी शर्म तो थी, जो किया छुपा के किया, आप तो उसे घर लेके आ रहे थे। वो पेशवा साहेब जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं, कभी हमारी बात नहीं मानी, वो अपनी दूसरी पत्नी की इच्छाओं का मान रख रहे। विश्वनाथ भाई, मैं जानता हूं कि मैंने आपके प्रति अन्याय किया है, पर मैं क्या करता? मेरे प्राण बचाने के लिए उन पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, लांछन लगा रहे थे। मैंने जो कुछ भी किया एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए किया है। और हमारा सम्मान? Thank you.
वो आपकी कौन थी? कोई भी नहीं। फिर भी उसका सम्मान बचाने के लिए आपने अपनी पत्नी से उसका गुरूर छीन लिया। ये कहाँ का न्याय है पेशवा साहेब? मैं आपका दोषी हूँ पेशवेंद्र भाई, आप मुझे जो दंड देगी मुझे स्वीकार है। मैं आपसे सच छुपाना नहीं चाहता था, वरना मस्तानी साहिबा मुझे इस रिश्ते से आजाद कर चुकी है। अब इस विवाह का, इस संबंध का कोई अस्तित्व नहीं। जब आप विवाह को ही नहीं समझते हैं तो उसका अस्तित्व कैसे समझेंगे पेशवा साहेब? आपने मात्र हमसे विवाह किया है, पर हमने उस विवाह को निभाया है। आप जब जब युद्ध पे गए, हमने आपकी प्रतीक्षा की है। मन में हमेशा डर होता था, पता नहीं हमारा सुहाग रहेगा या मिट जाएगा, पर ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा सुहाग बढ़ जाएगा। मस्तानी चाहे इस घर में आए या ना आए, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपने उससे विवाह किया है? वो हमारे आंखों के सामने नहीं होगी, पर हमें पता होगा कि कोई और है जो आपके नाम का कुमकुम अपने माथे पे लगाती है। कोई और है जो पेशवा बाजीराव की पत्नी है। कोई है जिसे आप अपना दायित्व समझते हैं। अगर दायित्व नहीं समझते तो उसे कोर्ट रूट पे नहीं रुक पाते। हमने आपसे पहले कहा था पेशवा साहेब, हमसे विश्वासघात मत कीजिएगा। हमारा दिल आई साहेब जैसा बड़ा नहीं है, जिन्होंने इतने वर्षों तक बाबा की दोहरी जिंदगी को छुपा के रखा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम ये शुभ समाचार पूरे संसार को बताएंगे, ताकि लोगों को भी तो पता चले जिस पेशवा बाजीराव की लोग गुणगान गाते हैं वो असल में कौन है। मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। क्रोध में आकर आप ये क्या कर रहे हैं पेशवेंद्र भाई? ये मशाल हमने और राव ने एक साथ जलाई थी आई साहेब। ये मशाल हमारे रिश्ते का प्रतीक था। जब ये रिश्ता ही बुझ गया है तो इसे भी बुझ जाना चाहिए आई साहेब। काशी भाई, आप स्वयं अपना अधिकार छोड़ रही हैं। स्वयं राव के जीवन में किसी और को अपना स्थान दे रही हैं। हम क्या करें ऐसा है? संबंध समाप्त कीजिए, राव और आपके बीच का नहीं, राव और उस मस्तानी के संबंध को समाप्त कीजिए। रिश्ता नहीं है, दाग है,
और काशीबाई दाग अपने आप लग जाते हैं और अपने आप मिटते नहीं, उनको मिटाना पड़ता है, धो धो के मिटाना पड़ता है, पर अपने आंसुओं से नहीं। राऊ पेशवा हैं तो आप पेशविन भाई हैं। पेशविन भाई के सारे अधिकारों का प्रयोग करिए। आप तो अपना वचन निभाएंगे ना इसे? मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। वो वचन जो विवाह के समय आपने हमारी आई को दिया था,